हेलो फ्रेंड्स नमस्कार एंड वेलकम टू ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस मैं हूं कोमल नाहटा जैसे हमने प्रिडिक्ट किया था वैसा ही हुआ दृश्यम की शुरुआत तो बहुत अच्छी नहीं थी लेकिन वीकेंड में कलेक्शन बहुत बढ़ गए बिकॉज द वर्ड ऑफ माउथ वॉज पॉजिटिव पेड प्रिव्यूज हुए थे इस फिल्म के और पेड प्रिव्यूज यानी गुरुवार का टोटल नेट ऑल इंडिया टोटल था 50 लाख का नॉट अ ग्रेट स्टार्ट फ्राइडे को भी शुरुआत बहुत अच्छी नहीं थी और फ्राइडे का दिन खत्म हुआ एट साढ़े पांच करोड़ अफकोर्स इट शुड अबीन अप्रोक्सिमेटली सेवन एंड हाफ टू एट करोड़ लेकिन साढ़े पांच करोड़ पर यह फिल्म रुक गई लेकिन क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव था इसलिए सैटरडे के कलेक्शंस बढ़कर हो गए सैटरडे का टोटल हो गया पौने आठ करोड़ का और संडे को कलेक्शंस और भी बढ़ गए द संडे नेट ऑल इंडिया टोटल वेंट अप टू टेन करोड़ यानी पचास लाख पेड प्रिव्यूज फिर फ्राइडे साढ़े पांच करोड़ सैटरडे पौने आठ करोड़ संडे दस करोड़ गिविंग अ फर्स्ट वीकेंड टोटल ऑफ करोड़ 75 लाख ट्वेंटी फर्स्ट वीक एंड टोटल अब आगे जाके कितना बिजनेस करती है दैट ओनली टाइम विल टेल बिकॉज आज के कलेक्शन कैसे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस फिल्म नीड्स टू डू अप्रॉक्सिमेटली सिक्सटी करोड़ टू ब्रेक इवन नेट ऑल इंडिया टोटल साठ करोड़ होना जरूरी है अगर ये फिल्म को सेफ साबित होना है तो ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे कि यह सेफ होती है या नहीं होती है लेकिन ऑफ ऑफ कोर्स द वर्ड माउथ वाज पॉजिटिव एंड वीकेंड में कलेक्शंस डेफिनेटली बहुत अच्छे से पिकअप हो गए और जहां तक बजरंगी भाईजान का सवाल है थर्ड वीकेंड वॉज ऑल्सो फिनल थर्ड वीकेंड टोटल ऑफ बीस करोड़ बहुत ही बहुत ही बढ़िया फिगर्स एंड एट द एंड ऑफ टू वीक्स इट है टोटल ऑफ टू हंड्रेड एंड लाख टू करोर एंड 17 डेज तो अब इट्स जस्ट अ अटर ऑफ अ अब जब ये 300 करोड़ का क्लब ज्वाइन कर चुकी होगी एंड जैसा हमने पहले भी बताया दिस इज ओनली द सेकंड हिंदी फिल्म टू ज्वाइन द 300 करोड़ क्लब जब ये ज्वाइन करेगी इससे पहले पीके एक्चुअली पीके ने तो शुरुआत की थी इस क्लब की पीके बजरंगी भाईजान वुड नेटेड 300 करोड़ एक और खुशखबरी है बाहुबली बाहुबली का डब्ड वर्जन भी 100 करोड़ कर पाया है दिस इज द फर्स्ट इंडियन डब्ड फिल्म टू ज्वाइन द हंड्रेड करोड़ क्लब इससे पहले सिर्फ स्ट्रेट हिंदी फिल्म्स ने सौ करोड़ किए हैं और एक हॉलीवुड की डब फिल्म थी फास्ट एंड फ्यूरियस सेवन विच आल्सो हैड नेटेड मोर देन हंड्रेड करोड़ लेकिन इंडियन डब फिल्मों में से सबसे पहली है बाहुबली जिसने सौ करोड़ का क्लब ज्वाइन किया है एट द एंड ऑफ द फोर्थ वीकेंड दिस वन हैज क्रॉस द हंड्रेड करोड़ मार्क तो बहुत ही अच्छी बात है तेलुगु और तमिल डब्ड वर्जन ऑफकोर्स तो बेशुमार बिजनेस करते जा रहे हैं लेकिन हिंदी डब्ड वर्जन भी अगर सौ करोड़ कर लेती है दैट्स अज अचीवमेंट फॉर दिस ब्लॉक ऑफ अ फिल्म तो दोस्तों ये तो हुई बिजनेस की बातें इस वीकेंड के बिजनेस की बातें आइए अब हम आपको एक इंटरव्यू की झलकियां दिखाते हैं ये पूरे तौर पर इंटरव्यू आप देख पाएंगे 13 अगस्त को बट आज के दिन सिर्फ एक्सर्प्स फ्रॉम द इंटरव्यू सो लेट्स गेट गोइंग अक्षय को तो कराटे किंग माना जाता है इज लर्न आर यू आल्सो नो नो आई हैव नो मार्शल आर्ट्स बैकग्राउंड सर तो माहिर है इज फॉर मेनस हैज बीन प्रैक्टिसिंग फॉर तो फिर क्या जब पिक्चर साइन हुई तब बहुत नर्वसनेस uh, थी बहुत टेंशन uh, थी कि कैसे आ, इनके साथ रिंग में बैठेंगे रिंग में फेस करेंगे आइडिया uh, ये था कि मैं uh, वजन बढाऊं एंड अपने लुक पे काम करूं एटलीस्ट टू हैव दैट स्टैचर एंड सर वुड लूज सम वेट यू नो टू टू मैच अप

<laughs> Just, मीठा 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 जलेबी एक वो हमारा जो उसमें था एक बंगाली वाला आदमी था उसको है। बोलते लेके 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 गुजरात वो, से वो कोई लेके चैकी साहब लेके आते थे वो खाना नहीं कम लेके आते थे वो स्नैक्स लेके आते थे खाना ही खाते थे सिर्फ सारा दिन मतलब दोपहर को झूठ बोल रहे हैं इसने मजे लिए हैं

<laughs> गाने सुना गाने सुना आ, दादा कहानी सुन रहे हैं ठीक है सोचूंगा <laughs> तो मैं दादा को फोन करके बोला दादा आप कुछ आप ठीक तो सोचोगे अरे साइन करो उसको जल्दी फिल्म को क्यों अच्छा अच्छा रोला अरे बहुत अच्छा रोला दादा बहुत अच्छा रोला करो अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है कर रहे कर रहे

और लड़ाई मस्ती कर रही एक्चुअली काफी मस्ती कर रही ऑब्वियसली पर मस्ती मजाक में कुछ भी चलता है आपकी घड़ी गायब की हाँ? मैंने कुछ इस तो मेरे हाँ ठीक है तो मैं <laughs> <में गुणा> <laughs> एक एक वो वो भी अपना गार्ड वार्ड पहन किया शॉर्ट खत्म हुआ हम लोग हम लोग रेस्लिंग कर रहे थे शॉर्ट खत्म हुआ तो सडनली काट फूला तो गार्ड निकालो गार्ड हाथ में कितना वो मोमेंट मेरा हाथ और एक्चुअली वो गार्ड अंदर ही था और दूसरा गार्ड हाथ में लिया हुआ था सर ने इसके एग्जैक्टली सेम कोई दूसरा गार्ड तो मैंने दो मिनट चेक किया ये क्या हुआ अरे मेरा गार्ड का सुन मेरे के हाथ कब गया कैसे गया ये कौन सा टेक था मुझे समझ नहीं आया जो यूजुअल सॉन्ग एंड डांस होते हैं Uh, और इस किस्म की फिल्म में यूजुअल सॉन्ग एंड डांस का स्कोप नहीं रहता है and, uh, एक दूसरे के खून के लिए तरस रहे हैं तो नॉट गोट ब्रेक इन टू एंड पार्क में या रनिंग राउंड तो आजकल तो, तो मैं बताऊ आपको हा। हा। कि, uh, sure तो, आप तो हर फिल्म देखते हो

Uh, तो बादशाह अच्छा ले ले <laughs> <दोर के laughs> <है? laughs> आपको क्या लगता है इस फ्राइडे को uh, क्या सरप्राइज मिलने वाला है uh, सिद्धार्थ को अब अब मैं के के बारे तो... में तो नहीं जानता हूँ इसका कलेक्शन या इसकी कैसे रहेगा लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ आपके शो पे कह के जा रहा हूँ कि मैं आ, हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन एक्शन फिल्म है मैं एक एक्शन हीरो बोल के जाता हूं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एक्शन एक्शन हीरो एक्षिन फिल्म है आप कभी भी ये फिल्म का डीवीडी उठा के कि किसी भी हॉलीवुड डायरेक्टर या प्रोड्यूसर को आप दे सकते हो और फखर से कह सकते हमारे यहाँ ये फिल्म बनी है फैंटास्टिक बट दैट सेइंग सो सो मच बिकॉज़ यू योरसेल्फ हैव डन मेनी एक्शन फिल्म्स मैंने कभी आपके यहाँ के ऐसा नहीं बोला बहुत सारी एक्शन फिल्मों में आया हूँ यहाँ कभी लेकिन लेकिन जब मैंने इस फिल्म का क्लाइमैक्स देखा क्लाइमैक्स mm -hmm. देखा उसके बाद मैं कहा अब इससे ऊपर जाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा wow. इससे ऊपर जाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा मैं साथ में यह भी कहूंगा कि दिस नॉट फॉर इट इज दैट माई फिल्म और इट इज सिद्धार्थ फिल्म और वी हैव हैड हार्ड बट प्लीज गो एंड वॉच दिस फिल्म ऑल द यंगस्टर्स गो एंड वॉच इट बिकॉज इट इज समथिंग अबाउट स्पोर्ट्स एंड समथिंग अबाउट रिलेशन

कभी खुशी कभी गम एमएमए स्टाइल विद मिक्स माय या ऐसे ही अच्छा क्या बात है कभी खुशी कभी गम ये अच्छा है, इस, क्या -क्या है? है। इस फिल्म में और क्या-क्या है जैसा आप लोगों ने कहा है इमोशंस है लेकिन डांस सॉन्ग्स कॉमेडी वो भी है इस फिल्म में कॉमेडी एक ब्लैक मतलब डार्क ह्यूमर है तो जिस ऐसी फिल्म में डार्क ह्यूमर ही हो सकता है इसमें नाड़ा उतर निकल नहीं सकता या आदमी हंस रहा है क्या उसको नाड़ा वाला पसंद है तो <laughs>

It was also fun actually, किसी ने लगा दिया था विनोद मेहरा थे संजीव कपूर संजीव कुमार संजीव कुमार <laughs> <laughs> क्योंकि वो हम लोग इतना मीठा खा खा के तो दिख रहा था हमारे बदन पे तो दोस्तों ये थी कुछ झलकियां हमारे इस लंबे इंटरव्यू की पूरा इंटरव्यू आप देख पाएंगे तेरह अगस्त को जस्ट वन डे बिफोर द रिलीज ऑफ ब्रदर्स देखना भूलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे हमारी मुलाकात कल फिर होगी ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस के एक और मजेदार एक्साइटिंग एपिसोड में इन मीन टाइम आपके कोई सुझाव कोई सजेशन हो तो प्लीज डू राइट इन टू अज एट बॉलीवुड बिजनेस एट जी नेटवर्क डॉट कॉम एंड इफ एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू द वर्ल्ड ऑफ फिल्म तो उठाइए अपना मोबाइल फोन टाइप कीजिए बीबी स्पेस छोड़िए टाइप कीजिए अपना पूरा सवाल स्पेस छोड़कर अपना नाम टाइप करके भेजिए फाइव सेवन फाइव सेवन फाइव पर यू कैन फॉलो ऑन ट्विटर एट ई टी सी बॉलीवुड दिस इज कोमल नटा बिरंग यू गुड बाई